नगर परिषद द्वारा पलवल के गांव फिरोजपुर स्थित डंपिंग स्टेशन में शहर का कूड़ा डाला जा रहा है। कूड़े के बड़े बड़े ढेरों में पिछले कई दिनों से आग लगने की वजह से यहां जहरीला धुआं ग्रामीणों की समस्या बना हुआ है। गांव के लोगों ने ज्यादा बदबू आने की वजह से पहले भी कई दिन पूर्व धरना दिया था, जिसके बाद नगर परिषद द्वारा कुछ समय यहां कूड़ा डालना बंद कर राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट ही कूड़ा डालना शुरू कर दिया गया। अब फिर से यहां कूड़ा डालना शुरू होने से आसपास के क्षेत्र के लोग परेशान हैं। हालांकि ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी पहुंची और आग को बुझाना शुरू कर दिया। इसके साथ ही शहर थाना प्रभारी राजवीर सिंह भी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, जबकि उनके साथ सिविल वर्दी में आए एक व्यक्ति का रवैया ग्रामीणों के प्रति ठीक दिखाई नहीं दिया। ऐसे में ग्रामीणों का गुस्सा और बढ़ गया। ग्रामीणों ने नगर परिषद और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारे लगाते हुए अपना विरोध प्रकट किया। ग्रामीण लोगों ने बताया कि जब वे विरोध करते हैं तो पुलिस यहां कर उन्हें धमकाती है और उन्हें उल्टा उनके उन पर मुकदमा दर्ज करने की धमकी दी जाती है। यही नहीं, इस कूड़ा घर के परिसर में ग्राम पंचायत द्वारा करीब 70 प्लाट सरकारी योजना के तहत लोगों को आवंटित किए गए हैं, बावजूद इसके आज भी कूड़ा डंपिंग स्टेशन में लगातार डाला जा रहा है। वहीं ग्रामीण खजान और संतोष ने बताया कि पलवल शहर में लंबे समय से कूड़ा डालने की समस्या शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है। कूड़े का डंपिंग स्टेशन हमेशा से विवादों में है। जानकारी के अनुसार नेशनल हाईवे से कूड़े का डंपिंग स्टेशन 1 किलोमीटर दूर होना चाहिए, गांव की आबादी से आधा किलोमीटर यानी 500 मीटर दूर होना चाहिए, लेकिन नगर परिषद की लापरवाही से कूड़े के डंपिंग स्टेशन को बनाते समय लापरवाही बरती गई और नियमों को ताक पर रखकर अगवानपुर गांव की आबादी के निकट ही इसे बना दिया गया, जो कि नेशनल हाईवे के काफी नजदीक है, जिसकी बदबू गांव के लोगों और हाईवे से गुजरने वाले लोगों को परेशान करती है। लंबे समय तक गांव के लोगों ने हड़ताल रखी और डंपिंग स्टेशन को बंद करवा दिया, लेकिन फिर यहां कूड़ा डालना शुरू कर दिया गया है। कूड़ा डंपिंग स्टेशन में प्लांट इंचार्ज रामेश्वर ने बताया कि कूड़ा यहां डाला जा रहा है, जबकि ठेकेदार की ठेका अवधि भी समाप्त हो चुकी है। उन्होंने स्वयं ग्रामीणों की इस समस्या का कारण नगर परिषद ही बताया। ग्रामीण, ये आग लगी हुई है, उसकी वजह से कब से आग ये लगी हो गया? ये एक हफ्ते से ज्यादा हो गया। शिकायत कब से कर रहे हैं लोग? ये शिकायत एक हफ्ते से ही कर रहे हैं। तो भाई क्या कारण है जो समाधान नहीं हो पा रहा? सर, इसमें फायर की 3-4 बार गाड़ी बुला चुके हैं, एक बार 4-5 बार 112 पे कॉल कर चुके हैं हम लोग, और फायर भी आई है 4-5 बार, दिन में भी है रात में भी बुझा के गई है, लेकिन ये पन्ने की आ गई, जल्दी से बुझ नहीं पा रही। वो छोड़ के चले जाते, कहते हैं भाई इसको अभी कुरेदते रहो, धीरे धीरे ये जलेगी, जब ही बुझेगी। टेंडर के बारे कौन है जिम्मेवार इसके लिए? जिम्मेवार तो नगर परिषद है जी। तो ठेका किसके पास है? ये ठेका करण सिंह नैने उनके पास है। अभी है ठेका चल रहा है? अभी तो ठेके के लिए बता रहे कि वो खत्म हो चुका है। उसके बाद भी यहाँ गंद डाला जा रहा है? उसके बाद भी यहाँ गंद डाला जा रहा है? ये नगर परिषद कमेटी पलवल है, वो डलवा रहे हैं। समस्या ये बनी हुई है कि यहाँ पर अवैध रूप से कूड़ा गिर रहा है जी, और पिछले 3 महीने हमने यहाँ पे धरना दिया था, धरना प्रदर्शन किया, गांव के लोग भूखे प्यासे यहाँ पर बैठ रहे। यहाँ हमारे जो माननीय विधायक नैनपाल रावत जी आए और उन्होंने गांव को आश्वासन दिया कि आज के बाद कूड़ा यहाँ पे नहीं डलेगा। उसके बाद में 15 दिन के करीब यहाँ पर कूड़ा बंद रहा, उसके बाद फिर दोबारा से कूड़ा डालना चालू कर दिया। उसके बाद में पुलिस प्रशासन ने हमारे साथ इतनी तानाशाही की कि 2-2 बस भर के पुलिस की आई थी, जिप्सी आई थी, और जबरदस्ती हमारे गांव में कूड़ा डाला गया है। ये देखिए आप कितना बुरा हाल, और कंटिन्यू इसी तरीके से धुआं यहां पे चलता रहता है। गांव में सांस लेने में भी बहुत भारी समस्या हो रही है, और झूठे आश्वासन से बड़े हम विधायक जी से अनुरोध करेंगे कि झूठा आश्वासन अपने पास रखो और गांव को समस्या का समाधान करो। अभी भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी आप लोगों ने बुलाई हुई है, पुलिस की 112 नंबर गाड़ी भी आई हुई है, क्या लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं? लोग यहाँ पर कार्रवाई सिर्फ यही कर रहे हैं कि हमें फायर ब्रिगेड और पुलिस की क्या कार्रवाई है? अभी इन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, इनका सिर्फ एक ही कार्रवाई, जबरदस्ती गांव में कूड़ा डलवाते हैं जी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ जाइए, जब भी हमारे गांव से फोन गया कि यहाँ पर आग लगी हुई है जी, पिछले 15 दिन से 112 ERV भी आई हुई है, ये कंटिन्यू आती है जी, जबरदस्ती कूड़ा डलवा रही है जी पुलिस प्रशासन हमारे साथ। ये हमारे ना उनके सपोर्ट के, पुलिस को आपने बुलाया या? पुलिस उनके सपोर्ट में ही आती है जी, पुलिस तो हमारे गांव में तानाशाही से चलवा रही है जी। ये जबरन डलवाया है। क्या नाम है आपका? संतोष। क्या समस्या है जो आप लोग यहाँ? हमारे यहाँ समस्या आज 2 हफ्ता है गया है, 2 हफ्ता से यहाँ पजर रही है, ये हमारे घर में धुआं जाता है। तो घर आपका यहाँ बिल्कुल कूड़ेदान के पास कैसे? हाँ, हमारे कूड़ेदान के पास यू है जी, हमारी प्लाट यहीं आई है, हमने यहीं बनाया। कितने प्लॉट है यहाँ? यहाँ 67 प्लॉट है। तो ये जो आग जल रही है, गंद डाला जा रहा है, कहीं शिकायत दी है? शिकायत आ रही ना कोई, हमने बहुत शिकायत दिया जी गांव में जाए के लिए, पर कोई आता ही नहीं है यहाँ शिकायत। तो लगातार धुआं घर में जा रहा है, किस तरह की समस्या आ रही है? हमारी धुआं जा रहा है, हमारे बच्चे बीमार होंगे, हम कह के बीमार हैं,
अब बताओ हम क्या करें। तैयार इसके अंदर कितने लोग रह रहे हैं, कितने हमारे यहाँ में यहाँ के अंदर हम पांच वो है और भी कोई मकान बना हुआ है? हाँ, हमारा और भी मकान बना हुआ है। इसी के अंदर गेट का बना हुआ है हमारे पीछे और एक मकान और बना हुआ है। अब क्या समस्या का क्या समाधान चाहते हैं? और ये समस्या का ये समाधान जाने जी, धुआं जा रहा है हमारे अंदर, ये हटना चाहिए हमारे सामने थे और ये कूड़ा रहना चाहिए। तो प्लॉट जब कटे कूड़ा घर तब भी था ना? जब ना तो प्लॉट कटने के बाद ये तो प्लॉट कट गई है उनके बाद, अब दो साल हुए जब गिरा कूड़ा। हाँ जी, पुलिस प्रशासन।